गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गजेंद्र, तुम्हारी क्लास ना 10:45 पे है, जो प्रैक्टिकल है ना, एक उसमें एक कम कर दिया था ना हमने क्लास। यस सर। हाँ तो 10:45 पे लॉगिन करना प्लीज। ओके सर, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सर, रिकॉर्डिंग का मेरे पास क्या ऑप्शन आया है? रिकॉर्डिंग किसका पता का? नहीं, मुझे क्या बात। ओके सर। ओके मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है। सर, अभी तो जो प्रपोजल डेट शीट आ जाए सर, ये तो फाइनल डेट शीट तो नहीं है सर। मतलब ये मतलब ये पहली डेट शीट होती है, मतलब कि कंफर्म नहीं होती सर ये वाली। चलो, तो प्रोविजनल में और कंफर्म में कुछ फर्क होता है क्या कभी? हाँ सर, ऊपर नीचे होती है, मतलब कि जितना है मतलब आसपास ही होती है डेट, लेकिन डेट चेंज होती है। चलो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा था ना कम से कम कि यहाँ मेरे यस एग्जाम यस सर, अब कौन सा यस सर, एग्जाम यही पहले कौन था। सा बाद में, उसमें क्या फर्क पड़ता है। इट इज बेसिकली टू गिव यू आइडिया कि कब से शुरू हो रहे हैं। यस। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। कोई आ रहा है कि तुम दो ही हो? पर और भी आ रहे हैं आई थिंक। थोड़ा चेक कर लो, फिर हम सुबह हिसाब से स्टार्ट करते सर, अटेंडेंस का क्या चक्कर है सर? ये वाला अटेंडेंस है? के लिए सब कह रहे हैं कि हमारी क्लास लगा। अटेंडेंस के लिए यस सर, फुल हाँ, फुल अटेंडेंस अटेंडेंस तो लगानी पड़ेगी ना। नहीं तो लगा ही रहे हैं यार, पर सब ने। नहीं आज उतार दिए, ये 17-18 वाली को। क्लास, वो इसमें ये क्लास तो इसलिए बोल रहे हैं ना, ये 2 दिन वो है ऑडिट है उनका पीटी यूनिवर्सिटी का। ओके विल्सन में आया।
गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और निधि ठीक हो? यस सर। फुली रिकवर हो गया? हाँ सर, बस थोड़ी थोड़ी वीकनेस है अभी। बाकी घर पे कोई है और सब ठीक है? सर मम्मी पापा भी पॉजिटिव थे। वे सब ठीक है? यस सर, रिकवर कर रहे हैं अभी। चलो ठीक। और कोई आ रहा है कि स्टार्ट? सृष्टिका आ रही है? यस आ रही है वो। Okay, so the last unit which we were discussing actually last week also, yield management. So I think we'll cover that again, so that, and it'll be today and tomorrow we can cover that entire and your syllabus will get finished then. ठीक है? I think बाकी सारे chapters के notes already आपके पास हैं, right? मैंने WhatsApp में डाले थे सबको। हेलो। यस सर। बाकी सारे यूनिट्स के हैं ना, सिर्फ यील्ड मैनेजमेंट का नहीं है, राइट? यस सर। तो फिर यील्ड मैनेजमेंट के मैं खत्म करके फिर देन आई विल पुट इट अक्रॉस इन दिस वीक, आई विल पुट दैट नोट्स अक्रॉस सो दैट यू हैव एवरी यूनिट एंड देन यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। और बीच में अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन चेक विद मी, आई थिंक अगर किसी पर्टिकुलर यूनिट में किसी टॉपिक में आपको लग रहा है कि नोट्स नहीं मिले तो वी कैन कवर दैट। ठीक है? ओके सर। नाउ टॉकिंग अबाउट यील्ड मैनेजमेंट, इफ वी टॉक अबाउट यील्ड मैनेजमेंट, सी इट स्टार्टेड विद द एयरलाइंस इंडस्ट्री। ठीक है? दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यील्ड मैनेजमेंट वाज स्टार्टेड इन द एयरलाइन इंडस्ट्री व्हेन दे वांटेड टू मेक द मोस्ट यूज ऑफ the airline seats. Now what happens is these are generally yield management is used in a where you have perishable products. So now when we talk about a room of a hotel or a seat of a airline, it is a perishable product, right? Agar wo use nahi hui to khatam hai wo aaj ki tarikh mein, correct? Kal ke liye to aapke paas nayi seats aur naye rooms honge na bechne ke liye. Yes. So if you can't use that today, it is a lost revenue. So the aim of yield management is to get maximum revenue from the given inventory of seats or given inventory of rooms. So that was a concept which started in airlines industry in US, and the American Airlines was the first one to start it. And slowly, and so what they started doing is, as the number of seats started reducing, they started increasing the price. So that's the concept which is still being used, and that is how even the hotels are now doing it. So when the occupancies are low, you get at a lower rate. When the occupancies are high for a given period, the rates increases. And whenever there is a peak season, the rates will increase. Whenever the off season, the rates will increase. So even the airlines, you know, even if you block their seats 3 months in ahead or 4-6 months in ahead, but for a peak season, you will always get it expensive. You will not get it the rates what you get in the off season. So generally, when there are holidays of children, so jab December end or May June, us time pe flights ki tickets ke rates jada badh jate hain, right? Similarly, if you go to hotels on a week, if it is a resort property, weekends mein unke rates jada rehte hain. If you go to a business property, weekdays mein unke rates jada rehte hain. So it's a vice versa.
डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई द रेट्स डिफर, राइट? ओके सर. So that was the concept of yield management. Now slowly and slowly it has come to F&B service also. Now even in hotels, you know, they try to, I mean, in the restaurants they try to make the maximum use of the sitting capacity, and so that you get the maximum turnover from the restaurant business. Now in the kitchen concept, what we are dealing with, or the topic what we have, it is a very limited scope. It's only from the raw material what yield you can generate, or chef can generate the yield. That is what we will be more discussing on. Now isme jo yield management ka jo concept hai, isme what they are more focusing is how to control cost and increase the revenue of a F&B outlet. So chef or F&B manager, they are more focused on increasing the revenue of a restaurant or a F&B outlet and reducing their cost. So the yield management helps us to let's say decide a rate price. To decide a rate for the menu. So the ultimate goal is that. And so the chefs have a knowledge ki yahan bhi agar if this is the particular raw material, what is the yield from this. And so that is what we will be looking into these 2-3 sessions. Since you guys are here, मैंने एक दो session already लिए हैं इसके ऊपर, but there were only one or two people there in the class, so we'll discuss that again. So now, now when we have a raw material, or let's say when we have a standard recipe, कोई बोली है क्या विक्स? So when we have this standard recipe, so you know, it will consist of maybe 4 portions or 10 portions, depending on whether you're making for a banquet or you're making for a la carte portion. So whatever standard recipes chef has made, so it is generally not for one portion. It is for basically in Indian cuisine, you'll find it will be 3-4 portions or 6 portions. So yeah. What we do is from that we take the individual portion cost. So theek hai. So now if you have a standard recipe, from that particular recipe, how you going to calculate the required quantity for a different portions, theek hai. So let's say you aapko sorted spinach ki recipe hai aapki, aur जो शेफ ने स्टैंडर्ड रेसिपी बनाई है उसमें 10 पोर्शन निकल रहे हैं और 160 ग्राम, ओके? सो 160 ग्राम का पोर्शन साइज शेफ दे रहा है उसमें, एंड ही इज मेकिंग 10 पोर्शंस जो स्टैंडर्ड रेसिपी में से निकल रहा है. नाउ फॉर अनदर कैलकुलेशन, अगर आपको लेट्स से किसी दिन बुकिंग आ गई, 20-25 लोगों की बुकिंग आ गई, एंड देन यू वांट टू कैलकुलेट what will be my requirement for 25 people from that particular standard recipe. So there is a formula called as conversion factor. ठीक है? So conversion factor is your desired. What is conversion factor? Krishna? Sir, वही जैसे हम convert करते हैं sir. I mean जैसे कि हमें हमें कितना chicken लाना है, अभी कितना हमें spinach लाना है. उस चीज को एक फार्मूला हमने डिस्कस किया है. हां बोलो. यस सर. डिस्कस. हां सर, इसमें सर कन्वर्जन फैक्टर सर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो हमारा एक पोर्शन का जो क्वांटिटी रहता है उसको हम सारे इंग्रेडिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं. अगर जैसे हमारे पास 10 पोर्शन की रेसिपी पड़ी है, तो अगर हमें 28 पोर्शन बनाने हैं तो सर हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.8 से. हां, सो हर एक इंग्रेडिएंट को. हाउ डू यू गेट दिस 2.8? सर वो हम डिवाइड करेंगे जो जो अपना जो 10 पोर्शन और डिवाइडेड बाय जो अपना एक जो पोर्शन हमें बनाना है. सो देयर इज अ फार्मूला फॉर परसेंटेज. हां, देयर इज अ फार्मूला फॉर रेसिपी कन्वर्जन फैक्टर व्हिच इज इक्वल टू डिजायर्ड यील्ड डिवाइडेड बाय द गिवन यील्ड.
अगर आपको डिजायर्ड यील्ड चाहिए 25 पोर्शन की, ठीक है, और आपके पास 10 पोर्शन है, विच इज गिवन यील्ड, ठीक है, आपकी रेसिपी 10 पोर्शन दे रही है, सो दैट इज अ गिवन यील्ड, आपको 25 पोर्शन का चाहिए, सो व्हाट यू डू इज डिजायर्ड यील्ड डिवाइडेड बाय द गिवन यील्ड, सो 25 डिवाइडेड बाय 10, सो दैट इज 2.5 5. तो जो आपकी स्टैंडर्ड रेसिपी होगी सॉर्टेड स्पिनच की, आप उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स होंगे यू मल्टीप्लाई एवरी इंग्रेडिएंट बाय 2.5, ठीक है, सो दैट विल गिव यू द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ स्पिनच, सॉर्टेड स्पिनच की जो आपकी रेसिपी, ठीक है, उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्लियर? यस सर। नाउ अब इसमें आपका गिवन पोर्शन साइज था 160 ग्राम्स, बट अगर आपको समझ लो इसी सॉर्टेड स्पिनच के कुछ और मतलब रेसिपी नहीं, लेट्स से देयर इज अ, अब ये तो आपका अलग ऑर्डर था, लेट्स से इट इज अ टीडीएच मेन्यू, ठीक है, टीडीएच मेन्यू में आपने छोटा छोटा क्वांटिटी देना होता है बिकॉज देर आर अदर डिशेज ऑल्सो इंक्लूडेड, राइट, तो आपने पोर्शन साइज कम होते हैं उसमें, तो उसमें अगर आपने पोर्शन साइज देना है लेट्स से 75 ग्राम्स का, तो सेम रेसिपी से आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ओके, पहली रेसिपी में आपको 10 पोर्शन मिल रहे हैं एट 180 ग्राम्स, अब आपको चाहिए 25 पोर्शन एट 75 ग्राम्स, ठीक है, ओके, समझ गए, तो इसमें आपने क्या करना, द कन्वर्जन फैक्टर इसका होगा 25 इंटू 75 ग्राम्स को किलोज में कैसे लिखते हो आप, 75 ग्राम्स किलोज में, हां, सो वी राइट एट 0.075, हां, राइट, या ओके ओके, हां यस, सो 25 इनटू जो डिजायर्ड है अपना 25 इनटू 0.075 अपॉन जो हमारे गिवन थी 10 इनटू 0.160 व्हिच इज 160 ग्राम्स, राइट, करेक्ट, यस सर, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका कन्वर्जन फैक्टर अराउंड 0.9 या 1 पॉइंट समथिंग, सो यू विल गेट अ कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है, सो दैट बिकम्स योर न्यू कन्वर्जन फैक्टर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, क्लियर? यस सर। Now, आपको 160 ग्राम्स बॉयल्ड स्पिनच चाहिए इस पर्टिकुलर रेसिपी के लिए। अब 160 ग्राम जो बॉयल्ड स्पिनच है वो रॉ स्पिनच कितना था जिससे आपको 160 ग्राम मिला था, राइट, दैट्स अनदर, देयर इज अनदर फॉर्मूला फॉर दैट इज कॉल्ड एज यील्ड एक्चुअली, ठीक है, तो सो लेट्स से जब हम, तो शेफ्स पहले क्या करते हैं, दे कैलकुलेट द यील्ड फॉर एवरी आइटम्स, ओके, व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू ऑपरेशंस यू डू ट्रायल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द यील्ड्स ऑफ एवरी आइटम, लेट्स से व्हेन वी वांट टू डू अ बोनलेस ऑफ अ रॉ चिकन, वी हैव अ होल चिकन एंड फ्रॉम देयर वी वांट टू कन्वर्ट इनटू अ बोनलेस चिकन, तो आपकी क्या यील्ड होगी, तो अगर 1 किलो आपका होल चिकन है तो उससे आपको अराउंड 380 ग्राम्स और 400 ग्राम्स आपको बोनलेस चिकन मिलेगा, करेक्ट? यस सर। सिमिलरली व्हेन यू हैव 1 किलो ऑफ पोटैटोज, अगर उसमें से आपने डाइस क्यूब्स निकालनी है तो डाइस क्यूब्स निकालने है, मतलब आपकी ट्रिमिंग्स होंगी, करेक्ट, इट्स जस्ट नॉट अ पील, आपकी ट्रिमिंग्स भी निकलेंगी, तो आपने डाइसेस बनाने, तो डाइसेस आपके कितने निकले, let's say maybe around 800 grams from 1 kilo, ठीक है? Yes. So yes, that's sir. Around 80% of your yield. So these percentages are calculated by chefs and for their analysis or for the requisition purposes they want to. So तो हर आइटम का, तो वैसे ही अगर आप एक रॉ स्पिनच लेते हो और उसको बॉइल्ड करते हो
देन यू कन्वर्ट योर ई फूड, लेट्स से यील्ड परसेंटेज इज अराउंड 27 to 30%। मतलब अगर आप 1 किलो स्पिनच बॉयल करोगे रॉ स्पिनच, तो आपको एक फिनिश प्रोडक्ट जो रॉ स्पिनच का आएगा, आई मीन बॉइल्ड स्पिनच का आएगा, विच विल बी अराउंड 300 ग्राम्स। ठीक है, सो नाउ वी हैव कि मुझे 160 ग्राम्स चाहिए फॉर वन पोर्शन, करेक्ट? सॉर्टेड स्पिनच की रेसिपी के लिए मुझे 160 ग्राम्स बॉइल्ड स्पिनच चाहिए। अब 160 ग्राम्स मेरे को कितना है रॉ, तो अगर मैंने 10 पोर्शन बनाना है तो 160 इनटू 10 इज 1 किलो 600 ग्राम्स, राइट? तो इफ यू कैलकुलेट, एंड यू हैव, सो योर रॉ वेट रिक्वायर्ड विल बी, what will be your raw weight required? Yeah, 1 minute sir. So kitna se kitna karna hai? आपका cooked weight जो finished product है आपके पास है 1 kilo 600 grams आपको चाहिए 10 portion sorted spinach के लिए। Okay. ठीक है, अब उसके लिए मुझे raw spinach कितनी order करनी है? If my about sir 3 kgs. How did you calculate? सर अगर हम 1 किलो में से 300 निकाल रहे हैं तो सर 160 मतलब आप इतना ही हो, मतलब वेट मान लीजिए अराउंड 300 के आसपास मैच कर जाएगा। हाँ, मतलब एटलीस्ट सर 4 kgs तो चाहिए, मतलब 3 kgs तो अगर लोगे तो यूज हो जाएगा, मिल जाएगा सर उतना क्वांटिटी हमें। जी नहीं, सी देयर इज अ फार्मूला फॉर रॉ वेट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू योर कुक्ड वेट और क्लीन वेट, जो आपकी यील्ड थी, ठीक है, जो आपको चाहिए मतलब रेसिपी के लिए, ठीक है, सो योर कुक्ड वेट डिवाइडेड बाय द यील्ड परसेंटेज, तो जो आपका यील्ड था मतलब व्हाट यू वांट फॉर कुक्ड वेट वाज 1600 ग्राम्स, राइट? यस सर। सो 1600 डिवाइडेड बाय 30% करोगे आप, तो आपका वो बनेगा कितना, बनेगा 5 kilos 333 ग्राम। यस सर, ठीक है, सो दैट इज द रिक्वायरमेंट। सो इतना रफ कैलकुलेशन तो आप करोगे नहीं, तो आप 6 किलो मंगा लोगे या 5.5 किलो मंगाओगे? 5.5 किलो भी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ शेफ्स कैलकुलेट कि कितना रॉ मटेरियल मुझे मंगाना है या इंडेंट। So that is the purpose of calculating these yields. Okay. Nidhi, Shristika, you getting it? Yes. Yes, sir. Wilson? Wilson, eh? So, yada nahi lagta. Aaj pehli baar aaya tha wo login karne ke liye. हाँ बट समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। सो फॉर एवरी रेसिपी और एवरी ingredient you can calculate these raw material required, ठीक है, कि जब हमें पता चल जाए कि yield हमारी कितनी होती है हर items की from the raw materials, so then you can easily calculate the requirement of a raw material depending on the standard recipes, ठीक है, clear? Now जिसकी standard recipe single portion की है तो फिर तो कोई problem ही नहीं है, but generally वो 4 portion, हाँ तो 4 या 6 portion की होती है, सो देन फ्रॉम देयर यू नीड अ कन्वर्जन फैक्टर, एंड फ्रॉम देयर वंस यू गेट यू व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, अगर तो आपको वो रॉ मटेरियल वैसे का वैसा मिल रहा है, लेट्स से कहीं किसी रेसिपी में बोनलेस चिकन है 200 ग्राम, तो अगर आपको मार्केट से 200 मतलब
बोनलेस चिकन रॉ मिल रहा है वैसे का वैसे जैसे तुम्हें चाहिए, तो देन देयर इज नो ये रॉ मटेरियल रॉ वेट रिक्वायरमेंट की फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको जितना चाहिए आपने उतना ऑर्डर करना है, राइट। बट अगर आपको कोई चीज लेके उसको फिनिश कर मतलब उसको कटिंग करके यील्ड निकालनी है तो देन यू नीड टू कैलकुलेट, जैसे राउंडेड पोटैटोज होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्टिनेंटल क्यूजीन या मैश पोटैटो, ये सब तो हम होटल में खुद बनाते हैं, रेडीमेड नहीं खरीदते, राइट। यस सर। बीन्स हो गए, फ्रेंच बीन्स, ये सब कंपनी में जाती है कॉन्टिनेंटल फूड में, सो देन यू नीड दीज यील्ड परसेंटेजेस कि यहाँ भी एक किलो में से कितना निकलेंगे, ठीक है। Now coming to portion cost. So जब हम ये सब yield वर्स calculate करना आ जाए तो then it becomes easy for us to calculate the food cost, ठीक है। और let's say from there a portion cost. Now अभी एक portion का cost मतलब cost of all ingredients divided by the number of portions which the recipe में से मिलते हैं. So when we make a recipe, so let's say if my recipe cost is coming to around 1000 rupees and it gives me four portions, so matlab ek portion ka mera cost aa raha hai, portion cost is 1000 divided by 4 which is 250 rupees, so your portion cost is generally cost of all ingredients in the recipe divided by the number of portions of the recipe yield, theek hai, agar char portion de rahe to 4, 6 de rahe to 6, ठीक है। यस सर। तो लेट्स से अगर स्पिनच मुझे 10 पोर्शन 200 रुपए की पड़ रही है द फिनिश स्पिनच, ठीक है, सो देन पर पोर्शन कॉस्ट इज 20 रुपीज, राइट। बट अगर मैं आला कार्ड बेचता हूँ, जब मैं आला कार्ड स्पिनच बेचूंगा मेन्यू में, आई विल नॉट मतलब अच्छे होटल में तो 200 रुपए 300 रुपए चार्ज करेंगे वो सॉर्टेड स्पिनच, राइट, एज आला कार्ड पोर्शन। सो अगर वो 200 रुपए की चार्ज हो रही है तो व्हाट इज माय फूड कॉस्ट, ओके, नाउ देयर इज अ फार्मूला फॉर फूड कॉस्ट, राइट, व्हेन वी कैलकुलेट फूड कॉस्ट परसेंट दैट इज पोर्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय द मेन्यू कॉस्ट इनटू 100, ठीक है। अब मेरा पोर्शन कॉस्ट आया, मैं जो रेसिपी में जो 10 पोर्शन निकले, मेरा स्पिनच का कॉस्ट आया था 200 रुपया, ठीक है, अब वो रेसिपी में से मेरे को 10 मेरे स्टैंडर्ड रेसिपी से मेरे को 10 पोर्शन निकल रहे हैं, करेक्ट, तो 10 पोर्शन निकल रहे हैं मतलब एक पोर्शन का कॉस्ट हो गया मेरा 20 रुपया, करेक्ट, 200 डिवाइडेड बाय 10, सो दैट इज माय पोर्शन कॉस्ट 20 रुपीस। नाउ माय सेलिंग प्राइस ऑफ सॉर्टेड स्पिनच इज ऑन द मेन्यू इज 200 रुपीस, अगर आला कार्ड में कोई गेस्ट ऑर्डर कर रहा है सॉर्टेड स्पिनच उसका मेन्यू में कॉस्ट है 200 प्लस टैक्सेस, राइट, यस सर। तो मेरा फूड कॉस्ट परसेंटेज कितना होगा, ओके ओके, द पोर्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय द मेन्यू प्राइस, राइट, तो ये तो सर समझ में आया, यस सर, ये 10 होगा, 10% मेरा फूड कॉस्ट है, इतना कम, हाँ, देयर आर सर्टेन आइटम्स इन द मेन्यू जिसका फूड कॉस्ट आपको 8-10% के बीच में रहेगा, देयर आर आइटम्स विच जिसका फूड कॉस्ट आपका 50-60% रहेगा, तो ऑन एवरेज बताया था वो आपको, ऑन एन एवरेज होटल्स ट्राई टू मेंटेन अराउंड 25% फूड कॉस्ट, ठीक है, यस सर, करेक्ट, तो इनका टारगेट रहता है 25% फूड कॉस्ट मेंटेन करें ताकि क्वालिटी ऑफ फूड भी गिरे ना,
अभी आप रोस्टेड पापड़ ले लो, करेक्ट, एक फाइव स्टार होटल में वो 50 रुपए का पैकेट आता है लिज्जत पापड़ का, आता कि नहीं? यस सर। 50 रुपए का ले ले, उसमें 50 पीस रहते हैं, पता नहीं 20 पीस रहते हैं, 2 रुपए का एक पापड़ पड़ता है, 20 पीस तो 2 रुपए का एक पापड़ पड़ता है उसमें, या 3 रुपए का ले ले, बट हम बेचते कितने का है? 50-60 रुपए का एक पापड़ बिकता है, बिकता कि नहीं? यस सर, 3 रुपए हो गया, हाँ? मसाला पापड़ रहेगा 10 रुपए और बढ़ा देते हैं, डालते दो तीन प्याज डाल दो, ऊपर टमाटर डाल दो, 10-20 रुपए और बढ़ा देते हैं। एक बार मेरे मेरे गेस्ट के साथ वो भी गई थी, I was in the room service and this there was a group of company managers, उनके residential conference थी हमारे साथ, तो they were drinking in the rooms, बैठ के अपने drinks ले रहे थे, तो they started ordering snacks, अब किसी के को चुल चढ़ी होगी, चलो यार पापड़ खाते मसाला, दारू का मसाला पापड़ ले आओ, तो 4-5 लोग थे, उन्होंने 5-6 पापड़ मंगा लिए, ठीक है, और धीरे धीरे 5 खाए वो मजा आ गया, फिर और 5 मंगा लिए, 10 पापड़ मंगा लिए उन्होंने, तो उनका पापड़ का बिल ही है कुछ 700-800 रुपए, टैक्सेस पकड़ गए 800-900 पापड़ निकल गया, बोला यार क्या बकवास है, बोला जब उन्होंने फाइनली बिल देखा, अब रूम सर्विस ने तो क्या ऑर्डर किया, बिल साथ में जाता ना साइन होने को, तो वो ड्रिंक्स ले रहे थे, तो उन्होंने बोला बिल लास्ट में ले आना एक साथ में, मैं कहा ठीक है, लास्ट में भेजा, तो जब 8-10 पापड़ का बिल जब उसको आया 1000 रुपए के आसपास, 800-900 का, बोले यार ये तो कंपनी को हम क्या जवाब देंगे, 900 रुपए के पापड़ खा गए हमको, मैं कह सर तुम्हें आई मीन दे फाउंड लिटिल रिडिकुलस, बोलता यार एक पापड़ का पैकेट था 50 रुपए का था, तुमने हमें एक पापड़ का पैकेट खा गया हम लोग 50 रुपए का, और तुमने चार्ज कर दिया 900 रुपए, मैं कह सर रेट मेन्यू कार्ड पड़ा वहाँ पे, आप मेन्यू कार्ड में रेट देख लो, बोलते नहीं 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 दिस इज रिडिकुलस, हाउ कैन यू चार्ज सो हाई, तो मेरा 4-स्टार प्रॉपर्टी थी, मैं कह सर मैंने वो ज्यादा आर्ग्यू नहीं किया, मैं कह ठीक है, मैं कह सर ये तो इतना ही रहेगा, बाकी आप बोलते नहीं नहीं आप इसको, फिर उन्होंने क्या किया, बोले आप इसको बिल को अलग निकाल दो, हम इसका कुछ और इंग्रेडिएंट डाल दो, ऐसे मैं कभी इससे कुछ नहीं हो सकता सर, ये इतनी यही चार्ज होगा और ऐसे ही होगा, एंड देन Finally they paid it, I mean they signed for it, company mein bill to gaya, wo alag baat hai. But then they wrote a big complaint to the GM, ki what sort of pricing you do for a menu and how can you charge papad at such a high rate, ye wo karke. So then GM called me, mere khayal se main room se manager tha kya pata nahi, he called me next day, what is this, what sort of pricing have you done in the menu? मैं कहा सर मेन्यू प्राइसिंग हैव बीन डन एंड इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय यू, ये थोड़ी कि मैं अपने रेट चला रहा हूँ वहाँ पे, राइट, और मैं कहा सर दिस इज नॉर्मल प्राइसिंग, इट इज नथिंग ह्यूज, यू गो टू एनी होटल यू ऑर्डर रूम सर्विस यू सी द रेट, और पापड़ का रेट सब जगह हर 5-स्टार होटल में उतना ही रहता है यार, 60-70 रुपये, 60-70 रुपये, कोई भी 10 रुपये का पापड़ नहीं देता, ढाबे वाला नहीं देता यार 10 रुपये का, यस सर देता है, नो अभी कोई भी ढाबे में चले जाओ तुम मांगोगे तो तुम्हें 20 रुपये का पापड़ पड़ेगा। And then finally, I was able to convince my GM, and then we didn't change the rates. So the point is, ki certain items food cost will be very less, and certain will have a high. Now let's say, agar hum steak manga rahe hain, theek hai? Agar humne imported steak de rahe hain hotel ka, ab imported steak ka landing price humko 1200 rupees pad raha hai per portion. Theek hai? With its raw materials. जो साइड अकंपनीमेंट्स और ये सारा कुछ दे रहे हैं, अगर उसका रेट हमें 1200 रुपये पड़ रहा है पर पोर्शन, तो मैं उसको 25% से कैलकुलेट करके कर दूंगा, तो उसका रेट चला जाएगा 4000 के ऊपर, करेक्ट, यस सर,
4,800 रुपए के आसपास पड़ जाएगा, अगर मैं 1,200 रुपए का 25% पे लूंगा तो which then no yes. waste will eat it. So then I have to take it around 50-60% cost, food cost for a steak. And then I'll sell it for 2,000-2,500 के आसपास हम बेस सिमिलरली लाइक लॉबस्टर्स, इवन लॉबस्टर्स का रेट काफी एक्सपेंसिव होता है, हमें मिलता ही था मेरे ख्याल से तब 800 रुपए का एक मिलता था और हम उसको बेचते थे 1,500 रुपए पे, मोर देन 50% ज्यादा फूड कॉस्ट था उसका, बट मेन्यू में रखना था एंड वी हैड आई मीन वी हैड अ मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट सो उसमें मेन्यू में था एंड देयर वर गेस्ट हु यूज्ड टू लाइक इट सो वी हैड टू कीप इट, वी कैन नॉट रिमूव सच काइंड ऑफ आइटम्स फ्रॉम द मेन्यू. तो कुछ ना कुछ आइटम रहते हैं जो कम चलते हैं बट देन इट हैज इट्स ओन प्लेस इन द मेन्यूज एंड उसकी कॉस्टिंग वैसी रहती है. ठीक है, सो क्लियर. सो फूड कॉस्ट परसेंट, अब ये बंद हो जाएगा 5 मिनट में. ठीक है, वी हैव अनदर 5 मिनट्स. अटेंडेंस तुम्हारी लगा दी है मैंने, व्हेन इट गोज ऑफ इट गोज ऑफ. आई थिंक देन वी हैव 2:30 क्लास ना, लॉग ही आज. यस सर. So then we so food cost percentage is so portion cost divided by menu into 100. So that is one way of looking at it. Now, अगर आपको generally food cost आपने रखा हुआ है food cost, मतलब you want to keep items at food cost of 25%. So you know the food cost and you know the portion cost. So from there you can calculate the menu price also. Okay. So the menu price formula is food cost divided by, portion cost divided by food cost percentage. So if my portion cost 1200 rupees is, like the steak ka case, tha, to main usko agar 25% pe rakhunga to mera 4800 menu price aayega. It is too high. So what will I do? Then I'll change the cost percentage. Let's put it at 50%. So main agar 50% karunga to 2400 rupees usko aayega, which is still fair enough for a imported steak. Right? So tabhi to sir ye manage hota hai sir, pura ka pura average mila ke sab manage ho gaya sir ye. Correct. Food cost percentage. So we need to understand ki jo input cost hai aur jo ingredient cost hai ya portion cost hai, उसके बेसिस पे हमें देखना है कि भाई हमारा यू नो देयर सो मेनी अदर फैक्टर्स व्हेन अगर जो हमने उसमें देखा था आपने फूड कॉस्ट एफएमबी का कॉस्ट कंट्रोल में भी पढ़ा होगा पिछले साल या सो व्हेन वी डू दिस देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग इनटू द मेन्यू प्राइसिंग. तो आपको मार्केट में भी रेट देखना पड़ता है ना कि आपके सेम कैटेगरी ऑफ होटल्स में बाकी होटल्स ऐसे आइटम्स क्या रेट पे बेच रहे हैं. Let's say chicken का main course है. अगर 5-star hotels they're selling at 800 rupees one portion, so then you can place it at that 800 rupees. अगर आप 4-star हैं तो वो 500 रुपए के आसपास बेच रहे हैं, तो आप 500 रुपए भी बेचोगे ना. You cannot sell it at 800 rupees if you are a 4-star hotel. Then why would people come to you? अगर तुम standalone restaurant हो, तो बाकी standalone restaurants क्या rate पे बेच रहे हैं chicken? आजकल मेरे ख्याल से साढ़े सब जगह 350-400 रुपए के आसपास बिकता होगा एक portion chicken का, right? Yes sir. तो एक फुल चिकन दे रहे हैं तो एक चिकन का अगर कॉस्ट कितना होता है 250 रुपया 200 रुपया. हाँ सर, नहीं वैसे तो उन्हें तो बहुत कम पड़ता है वो. नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ चिकन मार्केट में कितने रेट पे भी. अगर सर, हाँ सर, हमें तो अगर एक पूरा मुर्गा लेंगे तो सर 200 रुपीज. हाँ, तो उनको बिकॉज दे बाइंग इन बल्क दे में बी गेटिंग एट 150 रुपीज. यस सर, करेक्ट. तो 150 डिवाइडेड बाई 1350 क्या होगा, फूड कॉस्ट कितना होगा उसका. ठीक है,
बंद हो जाएगा अभी जब तक तू आंसर देगा। तो 50% निकल रहा है बट